सलमा खान, अध्यक्ष किन्नर मा ट्रस्ट मुंबई। किन्नर मा ट्रस्ट मुंबई यांच्या वतीने आपण अनेक उपक्रम चालविले, यामध्ये गुलाबी रॅलीचे आयोजन म्हणजे हे विशेषच। त्यासोबत आपण केलेले कार्य हे उल्लेखनीय आहे। त्यामध्ये तृतीयपंथी पारलिंगी समाजासाठी आपण केलेले कार्य, ओळखपत्र शिबिर असतील, आरोग्य शिबिर असतील, त्यांच्या समस्या असतील, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयमध्ये आपलं हात असेल, असे अनेक उपक्रमांमध्ये आपण नेहमी अग्रसर राहून सहभागी झाला आहात। आपण सर्व पारलिंगी समाजासाठी माँ अगदी नावासारखेच, आईसारखेच, आणि आई म्हणून त्यांचं पालन केलं, उदरनिर्वाहासाठी मार्ग दाखवलं, त्यासोबतच अन्न, निवारा, वस्त्र असे अनेक प्रश्न आपण वेगवेगळ्या माध्यमाने मांडले। त्यासोबत सर्व पारलिंगी समाजाला मतदानाकरिता आपण प्रेरित देखील केलात। आपलं अभिनंदन करण्यासाठी आज आम्ही आपल्याला पुरस्कार प्रदान करत आहोत। सीएम ने हमारी तरफ देखे और हमारी समस्याओं का समाधान करे। किन्नर माँ किन्नरों के फंडामेंटल राइट्स पर काम करती है, एजुकेशन पर काम करती है, उनको स्किल डेवलपमेंट पर काम करती है, उनके हेल्थ और सोशल सेक्टर्स को लेकर काम करती है। 4 तारीख को राशन बांटती है। किन्नर जो HIV पीड़ित है, जो कैंसर पीड़ित है, जो ट्यूबर क्लासेस के शिकार है, जो हैंडीकैप है, जो एक्सीडेंट से विक्टिम है, जो रेप विक्टिम है, उन लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है किन्नर माँ। हम आशा करते हैं भविष्य में भी हम ऐसे ही डेवलपमेंट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, ट्रांस एम्पावरमेंट के लिए काम करते ही रहेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक उनके राइट्स उन्हें मिलते नहीं है, हमारे राइट्स हमें मिलते नहीं है।